ओम शांति। स्वयं भगवान ने जिन आत्माओं की पालना की है, जिन्हें उन्होंने अपनी शक्तियां प्रदान की हैं और वरदान देकर उन्हें वरदानी बनाया है, उनका परम कर्तव्य है कि वो अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप और पूर्वज स्वरूप को जागृत करें, इस स्मृति में रहें, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण का महान कार्य सौंपा है, अपना साथी बनाया है, उसने मुझ में विश्वास रखा है और जो कार्य उसने मुझे सौंपा है उसको पूर्ण करने की शक्तियां भी मुझे दी है, वरदान दे दिए, सिद्धियां दे दी हैं, अनेक क्वालिटीज दे दी हैं, तो मुझे विश्व का कल्याण करना है। इसलिए मेरे मन में किसी के लिए भी निगेटिव भाव हो नहीं सकता। जिनका मुझे कल्याण करना है उनसे मैं ईर्ष्या भला कैसे रख सकती हूँ। जिन्हें मुझे आगे बढ़ाना है उनके पैर मैं पीछे कैसे खींच सकती हूँ। मुझे तो सबको आगे बढ़ाना है, सबको दुआएं देनी है, सबको वरदान देना है और जितनी महान आत्माएं, योग्य आत्माएं, टैलेंटेड सोल्स हमारे इस महान रुद्र यज्ञ में होंगी उतना ही ये कार्य तीव्रतर गति से आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा कार्य है, दूसरों को आगे बढ़ाना, उनकी योग्यताओं का सदुपयोग करना, उन्हें सम्मान देना, ये भी हमारे द्वारा ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा सहयोग है। चाहे कोई छोटे भी हैं, लेकिन बहुत योग्य हैं, हम उनकी योग्यताओं का सदुपयोग करें सेवाओं में। सेवाएं बाबा की होंगी, सेवाएं हमारी होंगी, नाम बाबा का होगा, साथ में हमारा भी होगा, तो हम सभी अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को प्रैक्टिकल में ले आए। हम पूर्वज हैं, हमें तो सब धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है, सबको वाइब्रेशंस देने हैं। इस महान कार्य की जिम्मेदारी भी बाबा ने हम पूर्वजों को सौंपी है। रियलाइज करें, हम सबके बड़े हैं, बड़े। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं भी विशाल हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, हमारा दृष्टिकोण विशाल, हम बहुत उदार चित्त हो जाते हैं। छोटी बातें क्या, बड़ी बातें भी हमें छोटी लगती हैं। सब अबोध नजर आते हैं, सब परवश नजर आते हैं, हमें तो सबको दृष्टि देकर, सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनका कल्याण करना है, यही हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। तो आइए हम अपने को इस महान कार्य के लिए तैयार करें। छोटी बातों में समय देना, छोटी समस्याओं में संकल्प शक्ति को नष्ट करना, इससे हम वो महान कार्य नहीं कर पाएंगे जिसके लिए बाबा ने हमें चुना है। तो चाहे लोग हमारी ग्लानी भी करें, चाहे हमें कुछ सुनना भी पड़े, कमेंट्स हो हम पे, हमें अपने महान कर्तव्य की स्मृति रखनी है और उसमें सदा तत्पर रहना है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो महान कार्यों में प्रवृत्त होता है, उसको सुनना तो पड़ता ही है। सत्य के मार्ग पर चलने वालों को अनेक लोग रोकने का प्रयास तो करते हैं, पर सत्य के साथ स्वयं भगवान रहता है। इस विश्वास के साथ हम अपने कदमों को तीव्र गति से आगे बढ़ाते चलें। आज सारा दिन हम इन दो स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ और पूर्वज हूँ, और फिर हर घंटे में एक बार सारे संसार को दृष्टि देंगे।
स्वमान में स्थित होकर वाइब्रेशंस देंगे, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर बाबा से लेंगे और संसार को देंगे, और आज इस महान स्थिति की दिव्य अनुभूति में रहेंगे। ओम शांति।